नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ गायत्री। अयोध्या में एक तरफ जहां राम मंदिर निर्माण तेजी से चल रहा है, दूसरी तरफ इसके आसपास के इलाके को खूबसूरत बनाने का काम भी लगातार जारी है। राम मंदिर ट्रस्ट ने इसके लिए राम पथ के रास्ते में आ रही एक मस्जिद की जमीन का सौदा किया है। खास बात यह है कि अभी तक इस सौदे के बारे में वक्फ बोर्ड को कोई जानकारी नहीं है। अयोध्या के नया घाट से सहादतगंज तक बन रहा 13 किलोमीटर लंबा रामपथ, इसी रामपथ के रास्ते में पड़ता है पांची टोला का ये छोटा सा मस्जिद। तो जाहिर है राम मंदिर ने इस मस्जिद को खरीदने की इच्छा जताई है। मस्जिद के मुतावली यानी कि देखरेख करने वाले ने राम मंदिर ट्रस्ट से 30 लाख रुपए का अग्रीमेंट किया है और 15 लाख एडवांस भी ले लिया है। ये मस्जिद सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसके बारे में वक्फ बोर्ड को कोई जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ राम मंदिर ने भी इस पर चुप्पी साध ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंजुमन मुहाफिज मसाजिद और मकाबिर कमेटी के महासचिव मोहम्मद आजम कादरी ने पुलिस को इस मामले के बारे में जानकारी दी। इस पूरे मामले में उनका कहना है कि अयोध्या में वक्फ की जितनी भी संपत्ति है, मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह या मजार, सबकी देखरेख का जिम्मा उनके पास है और ये बद्र मस्जिद भी वक्फ की ही प्रॉपर्टी है। लेकिन रईस अहमद ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के साथ गलत तरीके से मस्जिद को बेचने का अग्रीमेंट कर लिया है। इसकी इजाजत ना कानून देता है ना ही शरीयत। वहीं जानकारी के मुताबिक मस्जिद का सौदा करने वाले आरोपी रईस अहमद का कहना है कि उन्होंने ये सौदा नमाजियों की सहमति लेने के बाद ही उन्होंने ये अग्रीमेंट किया है, और साथ ही उनका ये भी कहना है कि मस्जिद को बेचकर मिल रहे पैसों से और दूसरी मस्जिद बनवा लेंगे। इसके साथ रईस के पास वह सहमति पत्र भी है जिस पर सभी 14 गवाहों ने दस्तखत किए हैं, और अग्रीमेंट भी है जिसमें रईस और राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय के बीच मस्जिद को लेकर डील हुई है। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक अग्रीमेंट में ये भी लिखा है कि मस्जिद सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की संपत्ति है जो पुरानी और खराब हालत में है। इसकी मरम्मत के लिए पैसों का इंतजाम भी नहीं हो पा रहा है। राम जन्मभूमि का काम शुरू होने से तीर्थयात्रियों की संख्या बहुत बढ़ गई है, इससे आने जाने में दिक्कत हो रही है। मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले भी परेशान हैं। इसके साथ ही मस्जिद अयोध्या रेलवे स्टेशन और शीरेश्वर मंदिर के पास है, इसलिए सिक्योरिटी के नाम पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसलिए वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार अधिकारियों और मस्जिद में आने वाले नमाजियों से बात कर तय किया गया कि मस्जिद को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। अब दोनों ही पक्ष अपनी तरफ से बातें रख रहे हैं, पर अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये कहानी क्या मोड़ लेती है और इसका आखिरी फैसला क्या होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश। जय हिंद।